तो हेलो दोस्तों अभी तक हमने सेवन चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे ठीक है हमने एनिमल टिश्यू का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया पूरा अभी हमारे पास है हमारे सामने पार्ट टू ठीक है तो इसमें देखेंगे पूरे बाकी टिश्यूज हमने एक पूरे लेक्चर में देखे एपेथिलियल टिश्यू अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ठीक है क्या स्टेटमेंट है सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू सब तरफ कनेक्ट करता है और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू भी कौन सा फैला हुआ होता है थीके? उसके बाद टिश्यू बिकॉज ऑफ बॉडी ये स्टेटमेंट याद रखो वो कनेक्ट टिश्यू क्यों कहा था? क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करते हैं ठीक है अब इनमें रेंज जो होती है कुछ सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू कुछ स्पेशलाइज टाइप्स होते हैं विच इंक्लूड टाइप में क्या क्या आता है कार्टिलेज आता है बोन आता है एडिपोस आता है ब्लड आता है कार्टिलेज बोन एडिपोस एंड ब्लड ठीक है इन ऑल कनेक्टेड टिश्यूज एक्सेप्ट सेल्स सीक्रेट फाइबर्स विच आर स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि कनेक्टेड टिश्यू में कौन से कनेक्टेड टिश्यू में फाइबर्स नहीं होते एक्सेप्ट ब्लड ब्लड में फाइबर्स नहीं होते फाइबर्स मतलब कोलेजन फाइबर्स होते हैं इलास्टिक इलास्टिक मतलब जो इलास्टिसिटी वाला प्रोटीन होता है उससे बने हुए फाइबर्स होते हैं कोलेजन जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में वर्ल्ड में हम में पढ़ेंगे उसका ये आ, फाइबर होता है तो ये सारे फाइबर्स ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते अगर तो ब्लड में फाइबर्स आ गए तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगा ब्लड फ्लो रुक जाएगा ठीक है दिस द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू ये करते हैं जो फाइबर होते हैं बाकी टिश्यूज जैसे कि कार्टिलेज है बोन है फाइबर प्रेजेंट होते हैं क्या करते हैं ये स्ट्रेंथ देते हैं ताकत इलास्टिसिटी देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम फ्लेक्स कर सके ठीक है दिस सेल्स ऑल्सो सीक्रेड मॉडिफाइड पोलिसेक्राइड इनमें सेल्स होते हैं जो मॉडिफाइड पोलिसक्राइड सीक्रेड करते हैं जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ठीक है ट बिटवीन द सेल्स एंड एंड फाइबर्स एक्ट एस मतलब जो सेल्स है अलग अलग टाइप के सेल्स भरे हुए हैं अलग अलग टाइप के फाइबर्स भरे हुए हैं ठीक है क्या है कनेक्ट टिश्यू में कनेक्टेड टिश्यू में सेल्स है अलग अलग टाइप के फाइबर्स है इनके बीच में एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड क्या मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड पॉली मतलब क्या मेनी सेक्राइड मतलब

ंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स कनेक्ट टिश्यू के हमें हाँ तीन टाइप पता होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तीनों याद रखो लूज डेंस लूज 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 डेंस और कनेक्टिव 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 टिश्यू टिश्यू अब आते हैं पे टिश्यू में क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज अरेन्ज सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस ठीक है लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है सेल्स क्योंकि देखो नाम लूज है लूज मतलब टाइटली बाउंड नहीं है या डेंसली बाउंड नहीं है लूज में क्या होता है सेल्स और फाइबर जो loosely arranged है लूजली अरेंज होते हैं एक सेमी फ्लू ग्राउंड सब्सटेंस सेमी मतलब fluid के समान होता है थोड़ा सा सॉलिड टाइप होता है थोड़ा सा फ्लुइड टाइप होता है फ्लू मतलब क्या नाम सोच में आता है फ्लूड मतलब जो फ्लो कर सके अब देखो फ्लूड में क्या क्या आता है गैसेस भी आते हैं ये केमिस्ट्री का पार्ट है प्लस लिक्विड भी आता है क्यों दोनों फ्लो कर सकते हैं दोनों फ्लो कर सकते हैं बह सकते हैं ठीक तो है तो लूज कनेक्टिव एग्जाम्पल दिया हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नाम क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा होते हैं लोकेशन याद रखो लूज कनेक्ट टिश्यू का एग्जांपल एरियोलर कनेक्ट टिश्यू प्रेजेंट बिनीथ द स्किन स्किन के नीचे जो स्किन के जो सतह होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू ऑफन इट सपोर्ट फ्रेमवर्क याद रखो ये क्वेश्चन आएगा सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर एपिथेलियम ठीक है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द बॉडी एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द बॉडी के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन सा टिश्यू काम करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क होता है एरियर टिश्यू इसका ये जो तो क्वेश्चन है ये आपको कैसे कंफ्यूज करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मैंने ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था एक टेस्ट में तो आपको बताऊंगा क्या, क्या गलती मैंने की थी तो दिया हुआ है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम कौन काम करता है एरियोलर टिश्यू इसमें क्या होता है फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो सेल्स दो सेल्स मतलब फिब्रोब्लास्ट क्या होता है सेल्स डेट प्रोड्यूस एंड सीक्रेड फाइबर जो सेल्स फाइबर्स को सीक्रिट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पहले बनाया फिर सीक्रिट कर दिया उस को हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट नाम समझ में आ रहा है मैक्रोफेजेस होते हैं फेज मतलब जो मार दे ठीक है मैक्रोफेजेस। और एक होते हैं मास्ट सेल्स ठीक है cells, याद रखना तीन टाइप के सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास्ट सेल्स एडिपोस्ट टिश्यू एक अनदर टाइप है लूज टिश्यू का याद रखो लूज करेंट टिश्यू में दो एक्साम्पल्स है एरियोलर एडिपोस एरियर हमारे स्किन के नीचे होता है सपोर्ट फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है तीन टाइप के सेल्स होते हैं एडिपोस टिश्यू टिश्यू अंडर टाइप ऑफ लूज है ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है ये क्या करता है ये स्पेशलाइज होते हैं स्टोर करने के लिए फैट एडिपोस क्या करते हैं हमारे बॉडी में फैट जो आपका फैट्स होते हैं ठीक है फैट्स उसको स्टोर करने में आपका हेल्प करते हैं एडिपोस टिश्यू द एक्सेस ऑफ न्यूट्रेन अब देखो क्या होता है फैट्स जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रेन बच जाते हैं क्या होता है एक्सेस ऑफ न्यूट्रेन बन जाते हैं बॉडी में ठीक है हमने कुछ ज्यादा खा लिया बहुत सारे न्यूट्रेन बन गए अब उन न्यूट्रेन की हमें इतनी जरूरत नहीं है इनटेक बहुत ज्यादा हो गया कैलरीज का ठीक है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फैट्स के अंदर ठीक है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फैट्स के अंदर और एडिपोस्ट टिश्यू में स्टोर कर देते हैं और अगर समझो किसी कारणवश हम दो तीन दिन तक खाना नहीं खा पाए ठीक है तो वो फैट्स जो है ब्रेक डाउन होंगे हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होगा और हमारा काम चलता रहेगा ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसमें देखो ये मैक्रो दिया हुआ है ये फिब्रोब्लास्ट दिया हुआ है कोलेजन फाइबर देखो मैंने किसी याद कर गंदा सा स्ट्रक्चर है जो ऐसे 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 इसको मैं नाम दे दूंगा मैक्रो फिजिस ठीक है जो फाइबर के समान स्ट्रक्चर है ऐसे लंबे लंबे होते फाइबर्स ठीक है वो तो नाम हो गया कोलेजन फाइबर्स देखो यहाँ पे जिसके ऊपर कवरिंग है वहां से फाइब्रेट फाइबर्स बन रहे हैं ना फिब्रोब्लास्ट तो नाम हो गया फिब्रोब्लास्ट और ये मास सेल नीचे तो कैसे करके आपको याद रखना है ठीक है ये एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू का अब सेकेंड एग्जांपल देख लो एडिपोस टिश्यू का ये फैट स्टोरिंग एरिया ये पूरा यहाँ पे देखो पे बहुत सारा फैट जो आपकी चर्बी है ठीक है फैट को हिंदी में चर्बी कहते हैं ठीक है फैट जो होता है उसको स्टोर करने की जगह होती है ये न्यूक्लियस है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है उसके साथ आगे फाइबर्स इन फिब्रो प्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टेड टिश्यू अब हमने देख लिया लूज कनेक्टेड टिश्यू अब हम देखेंगे डेंस कनेक्टेड टिश्यू डेंस कनेक्टेड टिश्यू में क्या होगा कॉम्पैक्टली पैक्ड कॉम्पैक्टली मतलब बहुत नजदीक नजदीक पैक होते हैं उनके बीच में जगह नहीं होती डेंस कनेक्टेड टिश्यू कहलाए जाते हैं इसमें क्या होता है ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स इसमें दो टाइप है अब, अब हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स थे उसमें पहला था लूज कनेक्ट टिश्यू जिसमें था इरेगुलर टिश्यू एडीपोस्ट टिश्यू सेकेंड है हमारे पास डेंस टिश्यू डेंस कनेक्ट टिश्यू में दो टाइप है रेगुलर और इरेगुलर ठीक है डेंस रेगुलर कहते हैं एक को अगले ग्रुप को हम कहते हैं डेंस इनरेगुलर ठीक है अब ये, कैसे करते है? ये हम डिसाइड करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ आपका क्वेश्चन आएगा ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोर्डियम फाइबर्स प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरल बंडल्स ऑफ फाइबर्स अब इसमें क्या होता है कि एक पैरल बंडल्स में प्रेजेंट होता है देखो मैं देखा नीचे देखिए ऐसे पैरल बंडल्स में फाइबर प्रेजेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे रेग्यू इधर उधर में क्या होगा कुछ फिक्स शेप नहीं होगा पैरल नहीं होगा मेढे अरेंज होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का एक्साम्पल बताओ तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडोन और आपके लिगामेंट क्या बताया मैंने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आपके एग्जाम्पल है

जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरियंटेड होते हैं इसे हम कहते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू ये कहा प्रेजेंट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं डेंस इेगुलर टिश्यू कहा प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे तो कार्टिलेज पे उसका डायग्राम देख लो ये देखो डेंस रेगुलर इेगुलर इजी टू अंडरस्टैंड है देखो यहां पे देखो ऑलमोस्ट सारे फाइबर्स ऐसे एक ही डायरेक्शन में अरेन्ज है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक देखो ऐसे 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 ठीक है

कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिवाइड किया तीन क्लासेस में ए बी सी ए को हमने नाम दिया लूज करंट टिश्यू बी को दिया डेंस टिश्यू सी को दिया स्पेशलाइज करंट टिश्यू लूज करंट के एक्साम्पल हमारे पास क्या थे आपके डेंस के एग्जाम्पल क्या थे डेंस में दो टाइप डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर रेगुलर में दो टाइप एग्जाम्पल टेंडॉन लिगामेंट इेगुलर में क्या जो स्किन के नीचे मिले और सी टाइप के स्पेशलाइज इसमें क्या, है? इस क्या आते है आता है आपके कार्टिलेज आता है बोन्स आता है ब्लड आता है द इंटर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल सॉलिड और प्लायल इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन इंटर मतलब क्या सेल के बीच का बिटवीन ठीक है जो कार्टिलेज में मटेरियल होता है वो होता है सॉलिड प्लायबल ये वर्ड आपको याद रखना है कुछ भी हो जाए सॉलिड प्लायबल और जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो उनको कहलाए जाते हैं कॉन्ट्रोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइड क्यों क्योंकि कार्टिलेज में एक ये होता है कॉन्ड्रीन नाम का सब्सटेंस होता है क्या होता है कॉन्ड्रीन ठीक है सॉल्ट कहते हैं हम लोग इसे कार्टिलेज का तो उसके वजह से नाम होता है कॉन्ड्रोसाइड एंड एंक्लोज इन स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स सीक्रेट बदेम कार्टिलेज इन इन एम्ब्रॉइर जो कार्टिलेज में कार्टिलेज हमारे बॉडी में होते हैं है, 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 उसको रिप्लेस कर देते हैं हम बोन से हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे ठीक है इनिशियली हमारे बॉडी में लगभग 306 बोन होते हैं वो कम होते होते है, 206 बन जाते हैं ठीक है ठीके? 206 जीरो सिक्स कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोस जो नोस की टिप है वहां पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोस की टिप है जो आउटर ईयर है बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ हैल कॉलम आपके ये हम आगे पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे लोकोमोशन वहां पे प्रेजेंट होते हैं लिम्स एंड हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं बोन्स को आगे और डिटेल पढ़ने वाले लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कार्टिलेज जो था वो था सॉलिड एंड प्लाइबल बोन्स जो है हार्ड है लेकिन नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है ठीक है नॉन प्लायबल याद रखो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी है एंड रिचिंग कैल्शियम सोल्ट एंड कोलाजियम फाइबर्स इनमें होते हैं कैल्शियम सोल्ट जैसे कि सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हीट किया तो क्या बनता है सीए ओ प्लस सी ओ टू आपका केमिस्ट्री हो गया ठीक है सी ओ टू क्या है सीओ टू का आपको पास करोगे ठीक है सी ओ टू आपका उड़ जाएगा बाहर एक गैस है सीएओ कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे सीएस का मास दे हंड्रेड आपको बोल जाएगा इसका मास निकालो इसका मास निकालो कुछ भी दे सकते हैं ठीक है अलग हो गए पार्ट यहाँ पे देखो कैल्शियम सोल्स एंड क्लियम फाइबर्स है ठीक है क्वेश्चन में बोल रहा था मेरी गलती हुई थी वो ये था इट इज द मेन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी देखो एपिथेलियम जो आपका एरियलर टिश्यू था वो आपका दे रहा था सपोर्ट और ये दे रहा है स्ट्रक्चरल फ्रेम वो दे रहा था सपोर्ट फ्रेम

जैसे फीमर हो गया ठीक है क्या करते हैं यह आपका जो वेट है उसको बियर करते हैं तो 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 अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बोन मैरोज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स आज ही मुझे आज ही मुझे किसी ने एक एमसीक्यू पोस्ट किया था एनसीआरटी बेस्ट क्वेश्चन का एमसीक्यू ठीक है तो बोला गया था बोन इंकरेज स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट था बोन इज फ्लू कनेक्टेड ब्लड क्या है फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू जो फ्लो कर सके कंटेनिंग प्लाज्मा होता है आगे पढ़ेंगे सर्कुलेशन चैप्टर में ठीक है आरबीसी होते हैं डब्ल्यूबीसी होते हैं प्लेटलेट होते हैं मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड ठीक है आगे पढ़ेंगे हम लोग ठीक है खत्म अब मसल मस्कुलर टिश्यू पे आता है ये भी हम पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर में फिर भी हम एक देता पे क्या दिया हुआ है में आपको दिया हुआ है मसल फाइबर्स कहते हैं क्या कहते हैं मसल फाइबर्स मसल किससे बने हुए होते हैं मसल फाइबर्स से ठीक है दिस फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फेब्रिल्स कॉल्ड माइफेब्रिल्स मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन क्या होता है आप जब काम करते हो ठीके? पहले आपसे मसल फाइबर जो है, contract होते है मतलब जाते, Size कम हो जाती है फिर वो आपस से एलोंगेट हो जाते हैं अपने मसल मूवमेंट कहते हैं ठीक है पोजिशन तो चेंज करने में हेल्प करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी का मूवमेंट चेंज करने में पोजिशन चेंज करने में इन जनरल मसल एक्टिव इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स मसल के हमारे पास तीन टाइप है स्केलेटल मसल स्मूथ मसल कार्डियक मसल आप सबको को बेसिक बता रहा हो स्केलेटल मसल को हम कहते हैं क्या कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स स्केलेटल बोन्स से अटैच होते हैं टिपिकल मसल बाइसेप बाइसेप में ये होते हैं याद रखो बाइसेप ये स्ट्रीटेड होते हैं ये स्ट्रीटेड क्या वर्ड है स्ट्रीशन मतलब स्ट्राइप्ड होते हैं यहाँ पे एक्टिन मायोसिन का जो है स्ट्राइशन होता है अल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ये सब प, हम आगे पढ़ेंगे ठीक है शीट पर टफ करंट टिश्यू एंग्रोसेस सेवरल बंडल्स ऑफ फाइबर्स ठीक है उसके बाद स्मूथ पे क्या होता है स्मूथ में आपका टेपरिंग एंड होता है फ्यूजिफॉर्म शेप फ्यूजिफॉर्म शेप का भी याद रखना मतलब देखो ऐसे होता है स्पिंडल शेप्ड दोनों तरफ जो है नुकीला होता है ठीक है नुकीला होता है एंड डू नॉट शो इनके पास ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं क्या होते हैं नॉन नॉन होता है सिर्फ स्मूथ मसल्स है जो नॉन स्ट्रेटेड है कार्डियक मसल्स भी स्ट्रीएटेड है मतलब स्ट्राइशन है और आपका जो फर्स्ट मसल्स है muscles, वो भी मसल है ठीक है सेल होल्ड एंड हम आगे पहले पढ़ चुके हैं वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन ब्लड मसल मसल थे वो थे वॉलेंट्री जो स्मूथ मसल थे वो इनवॉलेंट्री ठीक है involuntary, तो ये सारे इनवॉलेंट्री जगह जैसे आपका ब्लड मेसल स्टमक इंटेशन आप प्रेजेंट होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते है ठीक है एंड कैनॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट है उसके बाद कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट नाम कार्डियक कार्डियक मतलब क्या होता है हार्ट से जुड़ा हुआ कार्डियक मतलब कहा प्रेजेंट होता है हार्ट में प्रेजेंट होता है सेल जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क ये क्या करते हैं ये फ्यूजन पॉइंट एट फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्टेक्ट एजनिट ये यूनिट के तौर पे सेल्स को कॉन्ट्रेक्ट करने में हेल्प करते हैं जो फ्यूजन पॉइंट है इनके कारण क्या होता है जब एक सेल कॉन्ट्रेक्ट करता है तो दूसरे सेल के पास जाता है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मतलब कि हाँ आपको भी कॉन्ट्रेक्ट करना है तो वो भी कॉन्ट्रेक्ट करेगा उसके बाद डायग्राम देख लो ये आपका स्किलेटेड मसल है देखो यहाँ पे यह आपका स्किलटल मसल है, कहते हैं स्ट्राइटेड मसल वॉलेंटरी मसल्स है ये ठीक है अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आप इसको मूव कर सकते हो जैसे आपने उंगली आपने सोचा मुझे अभी मेरा उंगली हिलाना है तो आप उंगली हिलाओगे आपको आपका बॉडी पार्ट ठीक है समझो आप सोच रहे हो कि आपको भागना है ठीक है कोई भी बॉडी पार्ट है आपको भागना है आप पैर को आपका मसल जो है पैर के मसल्स उनको हिलाने की कोशिश करोगे बी आपका है स्मूथ मसल सी आपका है कार्डियल मसल्स न्यूरल टिश्यू को हम यहाँ पर देखते हुए ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्स न्यूरोन्स होते हैं

आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं भी, भी कांटेक्ट कर सकते हो उसके हम देखेंगे आप कॉकरोच क्योंकि अर्थवम हम लास्ट में देखेंगे अर्थवम और आपका फ्रॉग ठीक है तो